तो ये देखिए, इस ये हमारे सिंपल और वेज और नॉन वेज दोनों ही हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, जिसमें से ये वेज है और ये भी वेज है, ये नॉन वेज है, जिसको कट कर लिया है। तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये झटपट से बनने वाला सैंडविच आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा एराज किचन एंड व्लॉग्स। तो आज हम एक झटपट सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो बस चार चीज़ों से बनेगा। यानी कि ये कुकम्बर है, जिसको स्लाइस मैंने कर लिया है, और ये गोल शेप में है ओनियन, और ये टोमेटो है, इसका भी स्लाइस मैंने कर लिया है। और ये सॉस ले लिया है किसान का, केचप है स्वीट एंड स्पाइसी, और ये मेयोनीज ली है, और ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो ये हेल्दी नाश्ता है, और इसको ना फ्राई करना ना सेल्फ फ्राई करना, बस झटपट से जब भी आपका मन करे ये सब चीज़ें हों तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 चम्मच हमने सॉस ले लिया है, मतलब टोमेटो केचप ले लिया है। तो ये सॉस ले लिया है, वो मेयोनीज ले लिया है हमने, 2 चम्मच मेयोनीज है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, बस इसमें हमको स्प्रेड करना है। ये मेयोनीज मिक्स हो चुकी है, मेयोनीज और सॉस मिक्स हो चुका है, तो इसमें एक लेयर लगाएंगे हम। तो ये दोनों स्लाइसेस पे मैंने लगा लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस पे मेयोनीज और केचप। अब इसमें हम कुकम्बर और टोमेटो और ओनियन के स्लाइसेस रखेंगे। तो ये देखिए रख दिया है। अब इसमें हम टोमेटो को भी 2 स्लाइसेस रखेंगे, ये काफ़ी न्यूट्रिशंस होता है इसमें, और जो अपने फिजिक्स और बॉडी पे ये है कि मतलब हेल्थ ज़्यादा ना हो, वेट ना निकले, तो उसके लिए ये सैंडविच बहुत अच्छा है। आजकल लोग अपने बॉडी के लिए काफ़ी कॉन्शियस हैं, तो इस तरह का सैंडविच बनाकर आप ले सकते हैं सुबह और शाम के नाश्ते में। तो ये देखिए हमारा जो है सैंडविच तैयार हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मेयोनीज भी ज़्यादा यूज़ नहीं की है, ये एक हेल्दी नाश्ता है। तो ये हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है, अब इसको कट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा सैंडविच कट हो चुका है, और ये आप इसको चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सिंपल खा सकते हैं, या सेल्फ फ्राई कर सकते हैं बटर या फिर ऑयल से या देसी घी में। तो ये सिंपल है, मतलब ज़्यादा ऑयली ऑयली खाते खाते रमज़ान में हम लोग वो हो गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही सादा और सिंपल ही सैंडविच बनाया है। और एक दूसरे तरह से आपको सैंडविच बनाकर दिखाते हैं, जो कि नॉन वेज है। तो देखिए ऐसे 2 पीसेस ले लेंगे ब्रेड के। अब इसमें दोनों साइड पे हम केचप और वो लगा लेते हैं मेयोनीज। तो देखिए पहले ही सैंडविच की तरह ही इसको ही वो करना है, तो इसमें भी सॉस और मेयोनीज लगा लेंगे मिक्स करके, और दोनों साइड पे लगाया गया है। अब इसमें हम कुछ स्लाइसेस रखेंगे, जैसे कि कुकम्बर के रखेंगे स्लाइसेस। इस तरह से रख लेंगे, इसी तरह से ओनियन के स्लाइसेस रखेंगे, और फिर ये हमारा टोमेटो स्लाइसेस है, इसको रख लेंगे, और इसी पे ये टिक्की रख लेंगे। ये चिकन टिक्की है, जो पहले मैंने बना के स्टोर कर लिया था, उसको फ्राई कर लिया है, तो ये इसी पे रख देंगे। आपके पास कोई भी ये टिक्की हो, आलू की टिक्की भी चलेगी, वो रख सकती हैं। तो इस तरह से एक सिंपल नाश्ता और झटपट से बनने वाला है, ताकि आप अपनी भूख को मिटा सकें और जल्द से जल्द बना सकें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।